Student, you are welcome in our SSC class. I am Madhuri Madhav. I am your SSC teacher. Today we will start our chapter number 18, diversity. This chapter we are learning the meaning of diversity. Diversity in India, unity and diversity in India. We are learning the meaning of diversity. Diversity means the state of the being diverse. We see different type of people in our surrounding. They are in different dresses, and some wear the dhoti kurta while some other kurta pajama, etc. Also they speak different language, Hindi, Urdu, Bengali, etc., and they follow the different religion, Hindus, Islam, Christianity. And in fact the diversity is the ranges of many people and the thing they talk are very different from the each other. हमारी diversity का मतलब होता है कि विभिन्नता है, और बहुत सारे जो लोग हैं जो हमारे चारों ओर रहते हैं वो different type की dresses पहनते हैं, जैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, कुछ कुर्ता पजामा पहनते हैं, और कुछ language भी different different बोलते हैं, जैसे कुछ हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, और वो अपने रिलीजन भी different different follow करते हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ इस्लाम है, कुछ क्रिश्चन है. तो वास्तव में हम कहें जो डाइवर्सिटी है वो बहुत सारे लोगों के ऐसे रेंज है जिसमें कि वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं. डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया में देखेंगे तो इंडिया इज अ बिग कंट्री एंड ऑल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. इंडिया बिग कंट्री है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो भी लार्जेस्ट है. वी हैव मिक्स रेसिकल, हम इसे मिक्स कर सकते हैं लिंग्विस्टिक, रिलीजन एंड सोशल ग्रुप इन आवर कंट्री. हम जो हमारे जो सोशल ग्रुप है वो भी हम इसमें मिक्स करते हैं. द कंट्री इज़ अ बिग, ये कंट्री जो बिग है वो वेरिएशन भी है, जियोग्राफिकल फीचर्स भी प्रोवाइडेड कराती है. इन द बेस ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी लीड द प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. ये प्रेजुडाइज भी है, डिस्क्रिमिनेटिंग भी है, इनइक्वालिटी भी है, कम्युनिटिज्म भी है, एंड कास्टिज्म भी है, रीजनलिज्म भी है, लिंग्वलिज्म भी है, और जियोग्राफिकली भी है, एंड द क्लाइमेटिकली टू. वी हैव डाइवर्स, वी हैव हिल्स एंड प्लेन्स. हमारे यहाँ हिल्स, प्लेन्स, कॉस्ट, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. द मर्सी एरियाज, रिवर बेड, मर्सी एरिया में रिवर बेड पाए जाते हैं. दे आर द ड्राफ्ट इन वन एरिया, द फ्लड क्रिएट द हब्स इन द अदर पार्ट. वेन द पीपल वर द वूलन इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया. ये जो हमारे जो नॉर्थ पार्ट में जो वूलन प्रकार के पहनते हैं साउथ. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्सिटी, यदि हम डाइवर्सिटी की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं. द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया. फॉलोइंग कैरेक्टर पाए जाते हैं. डिफरेंट लैंग्वेज, देयर आर द हंड्रेड ऑफ लैंग्वेज इन द डायरेक्टेड दे आर स्पोकन इन द इंडिया. कम से कम 100 प्रकार की लैंग्वेज पाई जाती हैं. बाय द मिलियन ऑफ पीपल और मोर. और द कॉन्स्टिट्यूशन रिकोगनाइज द 22 लैंग्वेज. कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेज को मानता है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज. सम ऑफ दीज लैंग्वेज आर द हिंदी, कुछ उसमें से हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, सिंधी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, असमीज है, उर्दू है, उड़िया है, तमिल है, तेलुगू है, कर्नाटका है, कोंकणी है, और संथाल है, मैथिली है, बोडो है, डोंगरी है, हिंदी है. नेशनल लैंग्वेज में से हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है. मैनी रिलीजन, द पीपल ऑफ इंडिया हैव द फ्रीडम टू द फॉलो द एनी रिलीजन. इंडिया एकदम फ्री है जो किसी भी प्रकार का रिलीजन फॉलो करती है. द मेन रिलीजन इन इंडिया आर द हिंदू, जिसमें से हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चनिटी और द जोनोस्टिज्म. बेसाइड दीज आर द मेनी डिफरेंट कस्टम. इनके अलावा भी बहुत सारे कस्टम है, रिचुअल्स हैं हमारे रिलीजन के अंतर्गत. सेकेंड है हमारा डिफरेंट कल्चर. नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट कल्चर. द कल्चर इन इंडिया द मिक्स ऑफ द डाइवर्स. बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के कल्चर पाए जाते हैं. कल्चर इज स्प्रेड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है. ऑफ द ट्रेडिशनल एंड दे आर द सेवरल सेंचुरीज ओल्ड. एंड कल्चर इज द सेट ऑफ द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी अ सोशल ग्रुप. कल्चर डाइवर्स इन आवर एवरी डेज रियलिटी in every festival. The impactism of the religion is the association with the celebrated throughout the length and the breadth of the country. yahi hamari country ki length aur breadth kehlati hai. next year festival, there are the number of festivals celebrated in india. aur india mein bahut sare festivals celebrate kiye jate hain. the regional character of the historical development and the economical activity influence the कल्चर रेडिएशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. वो हमारे पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं.
फेस्टिवल ऑफ द बैसाखी एंड लोहड़ी सेलिब्रेट इन द पंजाब एंड ओणम इन केरला, केरला में ओणम बिहू, असम में मनाया जाता है पोंगल, तमिलनाडु में मनाया जाता है एंड मकर संक्रांति बिहार में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इट इज़ द इंटरेस्टिंग टू द नोट ऑल ऑफ दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द विंटर हार्वेस्टिंग सीजन। ये सब विंटर हार्वेस्टिंग सीजन के हैं एंड इट इज़ गुड एग्जाम्पल फॉर डूइंग द सेम थिंग डिफरेंटली। ज़्यादा ज़्यादा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया। हमारे इंडिया में जैसे होली, दिवाली, दशहरा एंड एवरी रिलीजन इज ऑन लेंथ एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशन ऑफ। थैंक यू सो मच।